क्या आप जानते हैं, बड़े बूढ़ों को पूजने वाले इस देश में 23% माँ बाप को अपनी ही औलाद के हाथों रुसवाई झेलनी पड़ती है। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट एल्डर्स एब्यूज है और इस मौके पर देश के बुजुर्गों का हाल बयां पेश करती ये खास रिपोर्ट। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को उंगली थाम कर चलना सिखाया, आज उन्हें अपने ही बच्चों से अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट एल्डर्स अब्यूज है। दुनिया भर के बुजुर्ग आज अपने हक के लिए एकजुट हो रहे हैं ताकि उन्हें अपने ही बच्चों का सितम न झेलना पड़े। उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों का गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करे, स्पेशली जो है उसको प्रोटेक्शन दे और नेशनल कमीशन फॉर सीनियर बनना चाहिए ताकि हम लोग एक जगह भी कंप्लेंट जहां भी करें तो हमें जस्टिस मिल सके। बुजुर्गों के प्रति अपराध को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हेल्पएज इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में ज्यादातर माँ बाप अपने बहू बेटे से प्रताड़ित हैं। और तो और बेटियां भी अपने माँ बाप पर अत्याचार करने में पीछे नहीं हैं। भारत के 23% बुजुर्ग अपने ही बच्चों के हाथों पीड़ित हैं। बड़े शहरों में हैदराबाद इस मामले में सबसे आगे है, जबकि कानपुर और मदुरई में बुजुर्गों पर सितम तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्गों के प्रति यौन अत्याचार के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों को अपनी रक्षा के लिए खुद कदम उठाना पड़ रहा है, मगर अच्छी बात ये है कि बड़े बूढ़ों ने अपने लिए आवाज तो उठाई। मनीषा लाल, P7 न्यूज़, दिल्ली।